का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है या फिर जिनका भी लास्ट शिफ्ट में एग्जाम है ना, मैं बता दूं सिंप्लीफिकेशन ऐसे आ रहे थे एग्जाम में, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा कितना इजी आ रहा है और कितना टाइम देना है। इस वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब देखो बोर्ड में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पड़ा हुआ है। नॉर्मल देखो आपका पहला काम क्या है, अगर 15 क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपको टाइम बचाना है क्योंकि 45 मिनट में एटलीस्ट 65 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। प्लस तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें क्या करना है, आपको टाइम बचाना है। उसमें से एक टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो कैसे टाइम बचाना है, माइंड को किस तरह क्रिएटिव बनाना है, किस वे में चलाना है, वो सबसे बड़ा बात है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 273 माइनस 323 डिवाइडेड बाय 19। अब देखो नॉर्मल माइंड थोड़ा काम करना, जिन बच्चों ने मेरे सिंप्लीफिकेशन के 10-12 वीडियो देखे हैं ना, उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने तरीका भी बताया है कैसे माइंड यूज करना है एग्जाम के टाइम पर, मैंने सब बताया है। तो देखो अगर नॉर्मल, अगर आप मेरा पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे अक्सर क्या करेंगे, 323 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे कैसे, ऐसे 19 323 फटाफट डिवाइड करेंगे 19 into 19, फिर क्या होगा इसका 13, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में, वरना मैं बार बार बोल रहा हूँ पेपर काफी इजी आ रहा है और आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि 45 65 करना कैसे। मैं आपको समझाऊंगा तो टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरीके से ही माइंड चलाना है माइंड में एग्जाम में। देखो 323 डिवाइडेड बाय 19 है ना, अब 19 इंटू 10 कितना होता है, सभी को पता है 190 होता है। अब 190 का हाफ कितना होता है, 90 का हाफ कितना होता है, 90 का हाफ जो होता है वो 45, तो 190 प्लस 45 कितना होता है, मैं बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है वरना फटाफट कितना हो जाएगा 190। अब देखो 190 का हाफ कितना होगा, 100 का हाफ तो होता है 50 और 90 का हाफ 45 यानी कि 95। अब 190 प्लस 95 कितना होगा, 19 और 9 कितना होता है 28 यानी कि 285। और पहुंचना कहां तक है, 285 कितना बार में हो गया 19 का, 10 प्लस 5, क्योंकि 190 का हाफ कितना होता है 95 यानी कि 10 प्लस 15 टाइम में कितना होता है 285। अब पहुंचना कहां है, 323 यानी कि 15 प्लस 23 यानी कि 38। अब 38 कैसे आएगा, 19 इंटू 2 यानी कि 15 प्लस 2 कितना होता है 17 बार में 323 कट जाएगा। तो 17 था 17, अब कितना करना है 273 माइनस 17 यही करना है ना। अब इसको भी बिल्कुल भी आप कैलकुलेटिव मत बनाना या करने मत लगना माइंड में, फटाफट माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए। 273 आप इसको 277 कर दो, अब माइनस 17 करो, इजी हो गया ना। अब 260, अब जो प्लस 4 ऐड किए थे उसको लेस कर दो, कितना होगा 256। तो आंसर क्या होगा 256। हालांकि आप फटाफट कर सकते हो 273 माइनस 17, लेकिन आप फिर सोचोगे 73 17 क्या करना है, 273 को 17 बना दो क्योंकि जो देना है माइनस करना है उसके लास्ट में 7 है, तो इसको प्लस 4 कर दो ना, 277 माइनस 17 अब इजी लग रहा है 260 हो गया, अब तो सभी कर सकते हैं। प्लस जो 4 ऐड किए थे वो 4 लेस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो कितना होगा 256। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 65% ऑफ 221 प्लस 19, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 221 प्लस 19 कितना होगा 240। अब इसका 65% कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है ना। अब देखो ऐसे मत करने लगना 65 डिवाइडेड बाय 100 वरना बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसे करना ही नहीं है। देखो 240 तो अपने आप में कितना है, अपने आप में ये 100% है, हमें चाहिए कितना 65%। अच्छा 240 का हाफ कितना होता है, 240 का हाफ होता है 120 यानी 50% तो हो गया, और हमें चाहिए कितना, और चाहिए 15%। 240 का 24 कितना होगा, 240 का 24 होगा 10% यानी कि हमें 60% अभी तक मिल गया। 24 का हाफ कितना होता है 12 यानी कि 5% भी मिल गया, यानी कि 50% 60% प्लस 5% 65% मिल चुका है। कितना होता है 120 प्लस 24 144 प्लस 12 कितना होगा 156 मेरा आंसर। ऐसे करना है, फटाफट कर निकल जाना एग्जाम में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या था आपके पास, 6 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2.4 डिवाइडेड बाय 0.5। नॉर्मली याद रखना इसको, तो पेन
टच करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बता दे रहा हूं, समझाना मेरा फर्ज है कि 44 है ना, नॉर्मल 2.4 है तो नॉर्मल ऊपर 480 कर दो, ये पॉइंट हटा दो। अब 24 इंटू 48 माइंड में चलना चाहिए, कितना होगा 24 इंटू 2 टाइम्स 2, कितना होता है 48, 24 इंटू 48 2 टाइम जाएगा, यानी कि 20 बार में पूरा कट जाएगा। अब क्या है 20 डिवाइडेड बाय 0.5, ये पॉइंट हटा दो 200, कितना बार में जाएगा 40 टाइम। अब 40 प्लस 6 है ना, तो आंसर कितना होगा 46। ये सब माइंड में ही हो जाएगा, ऑप्शन भी देखकर हो जाएगी, ऑप्शन जो लग रहा है सामने में है वही हमारा आंसर होगा। अब देखो पास फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दिया गया 44% ऑफ 5 बाय 11। देखो 44 परसेंटेज निकालना है और हमारे पास जिसका निकालना है उसके नीचे में क्या है 5 बाय 11, यानी कि ये तो कटेगा पता है 11, तो नीचे 100 होगा ये परसेंटेज हटाने के लिए, ठीक है। तो ये इंटू हो गया, अब ये कटेगा 4 टाइम और ये कितने बार में कटेगा 5 से 20 टाइम, और ये कटेगा कितने बार में 4 से जो 20 कटेगा वो ये कितने बार में कटेगा 5 टाइम में कटेगा, कटेगा ना, तो ये कितना हो गया 1/5। अब क्या है 215, अब निकाल लो 5 4 20, अब कितना 1 कैरी, तो 43 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है फटाफट अगर एग्जाम आपको निकालना है तो। अब आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क प्लस 152 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 114 प्लस 26 इक्वल टू 88, यही क्वेश्चन है ना हमारा फिफ्थ नंबर। अब देखो 152 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, पहले तो काम करेंगे ब्रैकेट का, तो कितना होगा आप नॉर्मल देखो 8, अच्छा ऐसे फटाफट करना माइंड में, अगर 8 से काटेंगे 1 टाइम 8 और 72 यानी कि 19 तो होगा ना, क्योंकि 8 और 8 8 से 15 7 यानी 72 कितने बार में जाएगा 8 से 9 टाइम यानी कि 19। अब ये जो 19 होगा और 19 के आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, तो इसको x मान लो, तो कितना हो जाएगा 19x। अब ये तो 19x हो गया, अब क्या है माइनस 114 प्लस 26 कितना होता है, सभी को पता है 140, ये 140 है इधर 88 है, तो इसको इधर ले जाऊं तो कितना होगा 140 को अगर मैं इधर ले जाऊं कितना होगा 228 होगा ना। अब डिवाइड देना 19 से, कैसे देंगे 19 से डिवाइड, 19 इंटू 10 पता है 190 होता है, और 190 से 228 कितना पहुंचना है और कितना ज्यादा है 38, और 19 से 38 टू टाइम जाएगा यानी कि 10 प्लस 2 12, आंसर क्या होगा 12, ठीक है। अब देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है 4 इंटू 98, अरे 4 इंटू 100 कितना होता है, 4 इंटू 100 होता है 400, लेकिन करना कितना था 98, यानी दो दो कर 4 बार ज्यादा है, तो दो दो करके 4 बार ज्यादा है यानी 8 ज्यादा है, तो 400 में से 8 लेस कर दो तो कितना होगा, 400 में से अगर 8 लेस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा 392। अब आपका ये है इंटू 112 और क्या है माइनस 7 इंटू 8 यानी कि 56। अब ये माइनस जो है उधर जाएगा 392 के तरफ, तो कितना होगा आप बताओ, अगर मैं माइनस उधर ले जाऊं, सपोज करो अगर मैं माइनस उधर ले जाऊं ये इसको उस साइड, तो कितना होगा 448 होगा ना, 392 प्लस 6 कितना होगा 398 प्लस 50 कितना होगा 448। अब क्या है 112x, देखो 112 से 448 कितने बार में जाएगा, 4 बार में यार, सिंपल है 100 × 4 = 400 और 12 × 4 = 48 यानी 4 टाइम में कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन है 1459 प्लस 1641, इसको ऐड भी करने का देखो ट्रिक तरीका होता है, 1459 हमको पता है 1459 है प्लस कितना है 1641, अच्छा 41 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 1600, तो 3100 तो यही हो गया आपका, ठीक है। अब 3100 डिवाइडेड बाय क्या है 15.5, 3100 डिवाइडेड बाय 15.5, तो इसको भी अब बिल्कुल टाइम मत लगाना, यही है ना मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट हटाकर ये पॉइंट यहां पर ऐड कर दो, 155 इंटू 2 कितना होगा 150 × 2 होता है 300, और 2 5 ऐड करेंगे तो 10 यानी कि 310, यानी कि ये 155 ये 310 से 2 बार में कट जाएगा, और लास्ट का 2 0 यानी कि 200 पूरा होगा। अब 200 क्या दिया गया है x डिवाइडेड बाय 3, यही है ना, क्योंकि डिवाइड था तो x डिवाइड बाय 3, अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ऐड सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 × 3 आंसर क्या होगा 600,
ठीक है, फटाफट कर कर निकलना है आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 104.72 + 82.78, अच्छा ये 7 28 है ना, सॉरी ये 28 है, तो ये 28 अगर इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा पूरा का ये डाटा हो जाएगा 105 + 82 यानी कि 187 हो गया। ठीक है, अब 187 + 42 × 5, 40 × 5 कितना होता है, 4 × 5 कितना होता है 20, यानी कि 40 × 5 = 200 और 5 × 2 = 10 यानी कि 210 + 187 कितना होगा, 210 + 187 कितना होगा 200 + 100 = 300 और 87 + 10 = 97 यानी कि 397 क्या होगा हमारा आंसर। ये थे आपके सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। अब माइंड में सिर्फ ये रखना कि 15 क्वेश्चन करने में 7 से 8 मिनट में कर कर निकल जाना है फटाफट। ये नहीं कि आप करने लगे बच्चे वाले जो आपका ओल्ड मेथड था वो सब नहीं करना है, फटाफट माइंड में कैलकुलेशन करना है, एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पकड़ लेना, ठीक है, कि अंदाजन क्या होना है। आंसर देखो ना, अगर आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अगर आपको बोले 40 × 5 कितना होता है 200, अगर आपके पास ऑप्शन कितना हो 250 270 210 310, आंसर क्या होगा 210 होगा ना सामने वाला, या सिंप्लीफिकेशन में आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने बोलता है, लेकिन आप एक बार आंसर की तरफ भी देखते चलना, ठीक है।